नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल स्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और पावर पॉइंट क्या है और वो क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूअर होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देंगे, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं कि पावर पॉइंट क्या है और क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। अभी हम लोग एमएस ऑफिस पैकेज, जिसमें एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, उसी में इंक्लूड आता है पावर पॉइंट। लेकिन एक्चुअली पावर पॉइंट जो था वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोडक्ट शुरू में नहीं था, बाद में माइक्रोसॉफ्ट इसे खरीदा। तो पावर पॉइंट एक्चुअली सबसे बढ़िया, अभी जितने भी छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, या कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट है, डॉक्टर है, जो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, उसके लिए पावर पॉइंट सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट क्यों बनाया जाता है और कौन कौन बनाते हैं? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है। सपोज मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है या स्टूडेंट है या आप टीचर ही हैं, आप बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाना है सिंपल क्या होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, यानी कि व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो गए और पढ़ाना शुरू कर दिए। तो क्या होता है, बच्चे 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाना छोड़ देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एज ए टीचर आप पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड के रूप में। उसमें बहुत सारे स्लाइड बनाते हैं, अलग अलग स्लाइड बना के उसको एक साथ दिखाते हैं, जिसको हम स्लाइड शो भी बोलते हैं। तो स्लाइड शो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरह एक बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट को किसी सेमिनार में जाता है, कहीं सम्मेलन में जाता है, या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने जाता है, लोगों को दिखाता है कि हम ये चीज बेचते हैं और इसका ये बेनिफिट है, इसका ये फायदा है। ये सब आप जब ओरली बोलते हैं किसी को, या खड़े होकर बोलते हैं, सेमिनार में बोलना शुरू कर दिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर दिए, 5 मिनट 10 मिनट के बाद लोगों का इंटरेस्ट आपकी बातों से समाप्त होने लगती है। उस समय आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आपने पावर पॉइंट के थ्रू बनाया है, उस समय बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएगा अपना, और उसको आप पब्लिक को, या जो जिस फील्ड में है, टीचर है, स्टूडेंट है, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाता है, उसको उस सब्जेक्ट में उसके लिए फायदा पहुंचाता है उसको। तो दोस्तों, तो पावर पॉइंट समझ गए क्यों यूज किया जाता है, आपके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाता है। आप अपने प्रेजेंटेशन को, स्पीच को, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्रेजेंटेशन के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, तो आप पावर पॉइंट का हेल्प ले सकते हैं। तो पावर पॉइंट का जो हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड शो जो हम शो करते हैं, तो स्लाइड में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स, इमेजेज, ये सब के थ्रू हम क्या करते हैं, एक इफेक्टिव पावरफुल प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम अपने बिजनेस के लिए, हम अपने सब्जेक्ट के लिए, या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो आप, या टीचर हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, या सरकारी जो संस्था होती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वो सभी लोग पावर पॉइंट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं आजकल। जितने भी कंपनियां हैं वो अपना प्रोफाइल बनाती है वो पावर पॉइंट में बनाती है, और आप पावर पॉइंट के मदद से आप वीडियो भी बनाते हैं सब्जेक्ट का। सपोज मैं टीचर हूं, मैं भी पावर पॉइंट का यूज करता हूं, बहुत सारे आप लोगों को वीडियो बनाता हूं, या मैं जो सिखाऊंगा आपको पावर पॉइंट के बहुत सारे फीचर्स, वो पावर पॉइंट के हेल्प से ही वीडियो बना के। तो पावर पॉइंट का आज के डेट में बहुत ही यूजफुल उसका यूज है,
और बहुत इफेक्टिव यूज है, जो आपके करियर में, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हो, आपके करियर में यह प्लस पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का यह प्रोडक्ट नहीं था तो शुरू में किसका प्रोडक्ट था। तो हमने यहां लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्रिएटेड बाय रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन एट ए सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोर थॉट इंक। इट वॉज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 1987 इनिशियली फॉर मशीन टोस कंप्यूटर्स ओनली। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड पावर पॉइंट फॉर $14 मिलियन 3 मंथ आफ्टर इट अपीयर्ड। यानी कि सबसे पहले ये एक फोर्थ आउट कंपनी थे, उसमें दो आपके डेवलपर थे, जो साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। उन्होंने पावर पॉइंट को डेवलप किया था उस कंपनी के लिए, फोर्थ आउट कंपनी के लिए, और सबसे पहले मशीन टोस कंप्यूटर के लिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मशीन टोस, उसके लिए बनाया गया था, विंडोज के लिए नहीं था ये। लेकिन इसके रिलीज के 3 महीने बाद $14 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया, तब से इसे बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। समझ गए दोस्तों। अब जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, अब फाइल एक्सटेंशन सभी जानते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी फाइल को हम जब सेव करते हैं अपने नाम से, उसके लास्ट में डॉट, जैसे वर्ड का फाइल करते हैं तो .docx हो जाता है या .doc हो जाता है, उसी तरह जो हमारा है पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है .ppt। यानी कि 2003 से पहले या 2003 अगर पावर पॉइंट एमएस ऑफिस को यूज करेंगे तो वहां फाइल एक्सटेंशन यूज होता है .ppt। और 2003 के बाद जो भी अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज आता है, उसका जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, वो होता है .pptx। यानी कि ये हो गया फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट का। फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, ऑन विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सटेंशन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज द फाइल कि फाइल बिलोंग्स टू विच एप्लीकेशन, यानी कि फाइल किस एप्लीकेशन से बिलोंग करता है, फाइल एक्सटेंशन से ही कंप्यूटर, क्योंकि हम तो ह्यूमन बींग्स है, हम तो आइकन देख लेते हैं कि वर्ड का फाइल है, पावर पॉइंट का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। तो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है उसके फाइल एक्सटेंशन से। हर एप्लीकेशन का अपना एक फाइल एक्सटेंशन होता है, उसी तरह पावर पॉइंट का भी फाइल एक्सटेंशन होता है .ppt और .pptx। यानी कि 2003 और उससे पहले के जो एमएस ऑफिस था उसका जो एक्सटेंशन होता था .ppt और उसके बाद का है .pptx, यानी कि एक्सटेंसिबल। तो ये रहा आपका कि पावर पॉइंट क्या है, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, पावर पॉइंट कौन यूज करता है, क्यों यूज किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसको हम लोग कंप्यूटर पे देखते हैं कि पावर पॉइंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और पावर पॉइंट में हम काम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। दोस्तों जो भी आप वीडियो देखें शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जो भी चीज बताता हूं पूरे कंसेप्ट के साथ बताता हूं, एक एक, या वो थ्योरी हो, पहले मैं थ्योरी डिस्क्राइब करता हूं तब प्रैक्टिकल बताता हूं कि आपको करियर में, क्योंकि आप पावर पॉइंट बनाकर भी, एक पावर पॉइंट बनाने के लिए 4 से 5 हजार, मिनिमम 2000-3000 रुपया जो भी पावर पीपीटी बढ़िया बनाते हैं उनको मिलता है कस्टमर और क्लाइंट के द्वारा। तो आप कंसेप्ट को समझे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और गारंटी मैं कहता हूं मैं पावर पॉइंट का आपको मास्टर बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर पे इसको करके हम लोग देखते हैं। दोस्तों पावर पॉइंट को हम कैसे ओपन करेंगे, तो पावर पॉइंट ओपन करने के 2 तरीका है। एक, हम अपने कंप्यूटर के जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं और वहां पर एमएस ऑफिस पैकेज है उसको देखिए कहाँ पे है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, उसे क्लिक करना है, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ऑफिस पावर पॉइंट ओपन हो गया, तो एक
इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपको माई ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नहीं जाकर डायरेक्ट ओपन करना है तो आप करें, यहाँ सर्च में चले जाए, विंडो के सर्च में, यहाँ पे सर्च होता है, यहाँ पे लिखे पावर पॉइंट और एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो दो तरीका हुआ। अब पावर पॉइंट को हम इसके एक एक फीचर्स क्या होते हैं, एक एक इसके कमांड क्या होते हैं, कमांड कहने का मतलब है जो आपका जो पावर पॉइंट है वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आप ये फीचर्स देखते हैं इस पे क्लिक करते हैं जैसे न्यू, या एक तरीका से कमांड ही है जो आप इसको क्या करते हैं क्लिक करते हैं और उस फंक्शन का यूज हो जाता है इंटरनली, वो कमांड ही होता है जो प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पावर पॉइंट में कौन कौन से मेनू होते हैं। जो फर्स्ट मेनू है ये ऑफिस बटन होता है जिसको हम फाइल भी बोलते हैं, और ये दूसरा है होम। होम में होम जो बटन होते हैं, जो ये होम जो है रिबन जिसको भी बोलते हैं, इस पे वो सारे फीचर्स फंक्शंस दिखते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद इंसर्ट है, डिज़ाइन है, एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है और व्यू है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट अगर चाहिए, अगर फ्यूचर में करियर में आगे कुछ करना है और आप पावर पॉइंट का सही यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसका बेसिक से कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग बात करते हैं ऑफिस बटन का। ऑफिस बटन का सबसे पहला पॉइंट है न्यू। न्यू यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ यहाँ मेनू में अरेंज रहता है, यानी कि हम फाइल से, इसको फाइल भी बोलते हैं, तो फाइल मेनू से, यानी कि फाइल के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार यहाँ आपके जो फंक्शंस है वो अरेंज होते हैं। जो पहला है न्यू, अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, किस लेटर के नीचे अंडर लाइन है, और जिस लेटर के नीचे अंडर लाइन है अगर उस लेटर को कंट्रोल की के साथ आप प्रेस करते हैं तो उसका शॉर्टकट की हो जाता है, यानी कि शॉर्टकट की क्या हुआ न्यू के लिए, Ctrl+N। अब क्या होता है दोस्तों, अब न्यू क्या होता है, यानी कि अगर पहली बार आप नया फाइल ओपन करना चाहते हैं, कुछ भी स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो पहली बार के लिए हम न्यू यानी कि नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन इंसर्ट करते हैं अपने फाइल में, तो न्यू का। और इसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, क्योंकि मैंने बताया कि जिस लेटर के नीचे अंडरलाइन होगा वही कंट्रोल के साथ अगर प्रेस होगा तो वो शॉर्टकट की का काम करता है। न्यू से क्या हुआ, न्यू इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी कि एक आपका जो स्लाइड खुलेगा, ब्लैंक स्लाइड ओपन होगा, अब वहां से आप बनाना उसको शुरू करेंगे। सेकेंड है ओपन। ओपन फंक्शन क्या है, ओपन के यानी कि ओ के नीचे अंडरलाइन है, यानी Ctrl+O करेंगे तो इसका शॉर्टकट की होता है। अगर आप ऑलरेडी प्रेजेंटेशन फाइल बनाए हुए हैं और उसके अपने कंप्यूटर में उसको सेव किए हुए हैं और उसको रीओपन करना चाहते हैं, यानी कि फिर से उसको ओपन करके उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तब हम यहाँ से ओपन कमांड का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे भी हम फाइल सेव किए रहते हैं उस फाइल को हम क्या करते हैं, सर्च करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद है सेव। सेव क्या है कि पहली बार अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम सेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, यानी कि हम जब भी कुछ लिखते हैं, काम करते हैं, तो Ctrl+S हम प्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो वर्क है वो सेव हो जाता है। तो दोस्तों, सेव जब हम पहली बार या जो फाइल ऑलरेडी सेव है उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, उसके बाद भी हम सेव का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अभी फाइल हमने न्यू फाइल ओपन किया है, इसको हम सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद ऊपर
हमसे डायरेक्टली पाथ पूछता है कि कहाँ पे सेव करना है आपको, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे या किसी डिस्क या ड्राइव में करना है। मान लीजिए कि हम कंप्यूटर अपने कंप्यूटर के आप यहाँ से भी जा सकते हैं या आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर हमने ये क्या किया, इसको सेव कर दिया। मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन वन के नाम से हमने इसको क्या किया, सेव कर दिया। और सेव एज टाइप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही होगा क्योंकि फाइल इसी, जब हमने इसको सेव किया कहाँ पे हमने सेव किया, अपने कंप्यूटर के डी डिस्क में हमने प्रेजेंटेशन वन नाम के फाइल यानी कि ये पावर पॉइंट का फाइल है सेव कर दिया। अब जो दोस्तों मैंने जो थ्योरी में बात की आपको कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर तो ह्यूमन नहीं है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। हम तो देख के बता देंगे कि ये फाइल है एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का, लेकिन कंप्यूटर क्या है आपका, इसी के बेस पे समझता है कि यह पावर पॉइंट का फाइल है। तो हम उस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट और .pptx, यानी कि हमने सेव किया प्रेजेंटेशन वन के नाम से। और ये अपने आप सफिक्स यानी कि प्रत्यय, फाइल के लास्ट में जो सफिक्स लग जाते हैं .pptx, ये हो जाता है आपका फाइल एक्सटेंशन। तो ये समझ गए कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अब जो चौथा है यानी कि नेक्स्ट जो है सेव एज है। अब सेव एज क्या होता है, सेव एज होता है कि अगर सेम फाइल को, जैसे प्रेजेंटेशन वन है, सेम फाइल को अगर दूसरे नाम से, कंटेंट सेम रहेगा, नाम केवल चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हम कुछ लिख दिए तो ये कंटेंट सेम रहेगा। मान लीजिए इसमें टेक्निकल स्किल क्लासेस लिख दिए, टेक्निकल स्किल्स क्लासेस लिख दिए। अब जो है हम सेव एज करेंगे तो सेव एज करेंगे और यहाँ प्रेजेंटेशन वन दिए तो यहाँ दो लिख दिए और सेव कर दिए। क्या हुआ कि हमारा कंटेंट सेम रहा लेकिन फाइल अलग नाम से फाइल बन गया। तो सेव एज का काम होता है कि सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव कर देना। फिर क्या काम है सेव एज का, क्या काम है सेव एज का, काम क्या है कि अगर आप कोई फाइल आप बना रखे हैं 2003 में, 2003 में बना रखे हैं या 2007 में बना रखे हैं, या आप लेटेस्ट पावर पॉइंट में बना रखे हैं, या लेटेस्ट जो भी पावर पॉइंट का वर्जन है उसमें बना रखे हैं, जब हायर वर्जन में आप बनाते हैं और लोअर वर्जन अगर उसको ओपन करके देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे फॉन्ट लोअर वर्जन में नहीं होता है। उस समय क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, मैटर है, वो दिखेगा नहीं, वो चेंज हो जाएगा उसका फॉन्ट, वो रीडेबल नहीं होगा। उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ सेव एज करते हैं, और सेव एज करने के बाद यहाँ जो सेव एज टाइप है यहाँ से चुनते हैं कि पावर पॉइंट 97 2003, यानी कि आपको किस वर्जन में आपको सेव करना है, यानी कि वर्जन क्या है इसका। यानी कि मान लीजिए कि ये 2003 में देखना चाहते, अब मान लीजिए 2007 में हम काम कर रहे हैं और 2003 में ओपन करना चाहेंगे, तो बहुत सारा ऐसा फॉन्ट है जो 2003 में सपोर्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि सेव एज 2003 कर देंगे। तो ये क्या होता है कि फिर आपका जब 2003 में ओपन करके देखेंगे तो यह क्या होगा, बिल्कुल सही दिखेगा। कभी कभी आप वेबसाइट से फाइल को डाउनलोड करते हैं या आप अपने दोस्तों को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, किसको, मैं अपने फाइल को मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, जब वो दोस्त उस फाइल को ओपन करता है तो उसका टेक्स्ट रीडेबल ही नहीं होता है। जब आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, रीडेबल नहीं होता है। उसका एक ही कारण है कि वो जो फाइल है वो पावर पॉइंट है, वो हाइयर वर्जन में बना हुआ है और उसको आप लोअर वर्जन पे देख रहे हैं, तो क्या होता है कि वो आपको रीड, क्योंकि फॉन्ट सपोर्ट ही नहीं करेगा तो आपको पढ़ा ही नहीं जाएगा, कोई लिखा होगा सपोर्ट ही नहीं करता है। इसलिए जब हमें लोअर वर्जन, अगर हमारे मित्र के पास लोअर वर्जन का है, अगर उससे नहीं खुल रहा है, वो हमसे पूछेगा कि भाई आप जो फाइल भेजे वो यहाँ ठीक से नहीं खुल रहा है, तो फिर आपको उससे पूछिए कि आपका कौन सा वर्जन है, फिर उस वर्जन में सेव करके आप उसको सेंड कर दीजिए। तो सेव एज का काम है कि एक
एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में भी फाइल को सेव करना। सेव एज का और भी काम है कि जैसे अभी आप क्या है पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट के फाइल को पीडीएफ में या अदर फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो हम पीडीएफ में भी सेव एज करके हम यहाँ पीडीएफ में भी कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे पावर प्रेजेंटेशन 2 है, इसका पीडीएफ हम क्रिएट करेंगे। देखिए दोस्त यहाँ पीडीएफ भी बन गया, देखिए पीडीएफ फाइल भी बन गया, देख रहे हैं यहाँ पीडीएफ फाइल आ गया प्रेजेंटेशन 2। यानी सेव एज का बहुत काम है। सेव एज का क्या काम हुआ, मेजर तीन फंक्शनलिटी हो गया कि एक हुआ सेव एज का काम कि अगर सेव एज का काम हुआ कि अगर सेम फाइल को सेम कंटेंट को दूसरे नाम से दूसरे फाइल नेम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हो गया कि अगर हायर वर्जन से लोअर वर्जन फॉर्मेट में हमको चेंज करना है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और तीसरा क्या हो गया आपका कि एक फॉर्मेट से यानी कि पावर पॉइंट से पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सेव एज का यूज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये न्यू ओपन सेव और पावर पॉइंट क्या था, पावर पॉइंट क्यों यूज करते हैं, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको एक एक कंसेप्ट एक एक पॉइंट में क्लियर करके चलूंगा, एक भी फंक्शन एक भी कमांड आपका छूटेगा नहीं और आपका आप पावर पॉइंट का मास्टर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। और जो भी मेरे व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर देंगे और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना मत भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को जरूर आप दबा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट के और बहुत सारे फीचर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।